फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अन्नपूर्णी किचन। आज मैंने ले आया हूँ पनीर कलिया। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आप चाहे तो इसको राइस के साथ भी या तो फिर फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। घर में सभी लोग इसको बहुत ही पसंद करता है। कोई भी ओकेशन टाइम पर इसको आप घर में बहुत ही इजी तरीके से और कम समय में भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को आप बंगाली और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं। आज का रेसिपी पनीर कलिया करने के लिए हम पहले पनीर को ले लिया। पनीर को हम स्लाइड करके काट लिया। आप लोग देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना हुआ है। साथ में हम बारीक काटी हुई ग्रीन चिली और अदरक को ले लिया। साथ में ले लिया काजू बादाम का पेस्ट, ले लिया टोमेटो का पेस्ट, ले लिया खट्टा दही, साथ में ले लिया कश्मीरी मिर्ची पाउडर, यह आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगा। साथ में ले लिया सादा जीरा, एक तेज पत्ते और एक सूखी हुई लाल मिर्ची। साथ में स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर ले लिया। ले लिया थोड़ा सा घी। अभी हम एक फ्राइंग पैन पर ऑयल गरम करके उसमें हम पनीर को दे दूंगी। पनीर को ऑयल में देने से पहले पनीर में थोड़ा सा नमक मिला लिया था, इससे पनीर का स्वादिष्ट ज्यादा होता है। अभी हम लो फ्लेम पर इस पनीर को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं पनीर बहुत ही अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी इसको हम उतार लेंगे। पनीर को उतारने के बाद पनीर का ऑयल को हम एक बॉल पर उतार लिया। अभी हम सेम फ्राइंग पैन पर थोड़ा सा घी देकर तेज पत्ते और सूखी हुई लाल मिर्ची को दे दिया। अभी हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं तेज पत्ते और मिर्ची बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। अभी हम इसमें सादा जीरा को दे दूंगी। अभी हम जीरा को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें ग्रीन चिली और अदरक को डाल दूंगी। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें टोमेटो का पेस्ट को डाल दिया। अभी हम टोमेटो का पेस्ट को अच्छे से भूनने देंगे। टोमेटो का पेस्ट को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें हम दही को डाल दिया। अभी दही को हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम काजू बादाम का पेस्ट को डाल दूंगी। अभी हम काजू बादाम का पेस्ट को भी अच्छे से भूनने देंगे। काजू बादाम का पेस्ट बहुत ही अच्छे से भून गया। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। आप जितना जूस खाएंगे उतना ही पानी डालिए। हम थोड़ा और भी पानी डाल दूंगी। अभी हम पानी को एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। पानी को अच्छे से उबल लेने के बाद इसमें हम कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। अभी हम मिर्ची पाउडर को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे, और मिर्ची पाउडर को हम ग्रेवी के साथ और एक मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। मिर्ची पाउडर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम फ्राई करके रखी हुई पनीर को डाल दिया। अभी हम पनीर को ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। हम पनीर को ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे से मिला लिया। अभी हम इसको उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का रेसिपी पनीर कलिया रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी कितना सुंदर आया है, और देखिए ये कितने ज्यादा ग्रेवी भी है। आप चाहे तो इसको राइस के साथ या तो फिर फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। मेरे आज का वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।